गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका सोशल साइंस टीचर अनिल रजक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 हिस्ट्री। चैप्टर का नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। बेसिकली हम जानते हैं रेवोल्यूशन का मीनिंग होता क्या है। रेवोल्यूशन मतलब होता है कि पॉलिटिकल चेंजेस होना शॉर्ट पीरियड टाइम में, यानी रेवोल्यूशन मीन्स क्या होता है, पॉलिटिकल चेंजेस होना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन देते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ कहाँ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था उसकी डेट है 14 जुलाई 1789। उसकी डेट क्या है बेटा, 14 जुलाई 1789। तो याद रखना 14 जुलाई 1789 क्या है, डेट है, ठीक है। तो 14 जुलाई 1789 फ्रांस की डेट है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। चलिए आगे हम देखते हैं कहाँ हुआ था वो, सिटी ऑफ पेरिस। कहाँ हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन, सिटी ऑफ पेरिस। फ्रांस, पूरे फ्रांस में हुआ था। जो मेन सिटी थी जहाँ, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सिटी ऑफ पेरिस से हुआ था। तो वहाँ पे जो लोग स्टार्ट लोग 7,000 मैन और वुमेन इकट्ठे हुए थे इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। किसके सामने हुआ था, टाउन हॉल। और डिस्ट्रैक्टेड लोगों ने क्या डिस्ट्रैक्ट कर दिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग को डिस्ट्रैक्ट करना कर दिया। अब एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बेस्टील क्या है। बेस्टील एक जेल है जो कि कहाँ थी, फ्रांस में थी। तो याद रखना बेस्टील क्या है बेटा, बेस्टील एक जेल है जो कि कहाँ पे थी, फ्रांस में थी। लार्जेस्ट जेल थी, फ्रांस में थी, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं जो इस ब्रोकन बाय एंग्री मोब ऑन 14 जुलाई 1789। जिसको ब्रोकन करा था किसने, भीड़ ने ब्रोकन कर दिया था 14 जुलाई 1789 में। क्यों ब्रोकन करा था, जो क्योंकि वो डिस्पोटिक पावर थी। किसकी, किंग की डिस्पोटिक पावर थी। तो याद रखना किंग की क्या थी, डिस्पोटिक पावर थी। और अब हम आगे देखते हैं कि जो इमीडिएट रीज़न था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, फ्रेंच रेवोल्यूशन का इमीडिएट रीज़न था, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तत्कालीन कारण क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, तो याद रखना हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। क्या था बेटा, हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन का तत्कालीन कारण क्या था, इमीडिएट रीज़न क्या था, इमीडिएट कॉज क्या था, हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। अब आगे देखते हैं हम जो स्लोगन था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। हर चीज़ का स्लोगन होता है। इंडिया में भी बहुत से रिवोल्ट हुए हैं, उनके कहीं ना कहीं स्लोगन हुए। जैसे 1905 में बंगाल पार्टीशन होता है, उसका स्लोगन था इनकलाब जिंदाबाद। तो वैसे ही हिंदू जब, या फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उस समय स्लोगन दिया गया लिबर्टी, उस समय स्लोगन दिया गया लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। यानी भाईचारा, फ्रीडम, और लोगों में क्या रहे, इक्वालिटी रहे। तो अगर पूछा जाता है कि व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो याद रखना फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन क्या था, लिबर्टी फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। चलिए आगे देखते हम। तो ड्यूरिंग दी सोसाइटी 18th सेंचुरी, अगर हम बात करें जो 18th सेंचुरी थी, 18th सेंचुरी में जो लेट 18th सेंचुरी थी, वहाँ की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा पहले चले जाते हैं, उससे अर्लियर चले जाते हैं कि बोर्बन डायनेस्टी रूल करती थी फ्रांस के ऊपर। कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी, बोर्बन डायनेस्टी। वैसे हमारे इंडिया में एक बिस्किट चलता है, कौन सा बिस्किट चलता है, बोर्बन, बॉर्बन जो बिस्किट चलता है। पर यहाँ पे इत्तेफाक से क्या नाम था, डायनेस्टी का नाम था। यहाँ पे इत्तेफाक से डायनेस्टी का नाम था। तो याद रखना कि जो फ्रांस में जो डायनेस्टी थे, जो एम्पायर था, वो कौन सा था बेटा, बर्बन एम्पायर था। तो वहाँ पे रूल्ड कब से करा, 1589 से रूल करा। तो याद रखना 1589 से क्या करा, रूल करा फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी ने। और बर्बन डायनेस्टी में एक रूलर था जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम था लुई 16। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लुई 16 के बारे में। तो याद रखना लुई 16 क्या था, लुई 16। लुई 16 कब राजा बना, कब राजा बना, 1774 में। लुई 16 कब राजा बना बेटा, 1774 में। और उसकी वाइफ का नाम क्या था, मैरी एंटोनेट। तो उसकी वाइफ का नाम क्या था बेटा, मैरी एंटोनेट। उसकी वाइफ का नाम क्या था, मैरी एंटोनेट। तो याद रखना, और वो कौन थी, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। तो अगर बोला जाए बोर्बन डायनेस्टी पे रूल किसने करा, लुई 16 ने करा। और लुई 16 किंग कब बना था, 1774 को। और उसकी वाइफ का नाम क्या था, मैरी एंटोनेट, जो कहाँ की प्रिंसेस थी, ऑस्ट्रिया प्रिंसेस थे। तो अगर बात करते हैं लुई 16 की बात करें, अगर अगर हम आए लुई 16 पे, तो लुई 16 को सबसे ज़्यादा पसंद था वॉर करना। क्या पसंद था, वॉर करना। और वो अपना एक्स्ट्रावेजेंट लाइफ स्टाइल, ड्रेन्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी वो क्या करता था, वॉर करता था। और जो अपना पैलेस था उसके ऊपर इन्वेस्ट करता था, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वॉर और पैलेस में इन्वेस्ट करता था। तो उसका जो फाइनेंशियल रिसोर्स था वो वैसे ड्रेन्ड होता था, फ्लो होता था मनी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं बच्चों,
ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। लुईस 16 हेल्प द अमेरिकन टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन विच वॉज देयर कॉमन एनिमी। यानी लुईस 16 ने अमेरिका को हेल्प करी, यानी फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प करी, जो उसकी 16 कॉलोनी थी, जो कॉलोनीज थी, तो कॉलोनीज के ऊपर किसने रूल कर लिया था? ब्रिटेन ने। तो उसकी कॉलोनीज़ को फ्रीडम दिलाया किसने? फ्रांस, लुईस 16 ने। लुईस 16 ने जो अमेरिका में अमेरिका में जो कॉलोनी बनाई थी, यानी अमेरिका में ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी बनाई थी, उसको फ्री करा किसने? लुईस 16 ने, वॉर करके। और वो किसका एनिमी बन गया? लुईस 16 ब्रिटेन का एनिमी बन गया। चलिए आगे हम देखते हैं। अब जब आपको मालूम है, जब वॉर होते हैं तो क्या होता है भाई? पैसा खर्च होता है। तो लुईस 16 ने क्या करा? वॉर तो कर लिया तो उसके पास डेब्ट हो गया। यानी क्या हो गया? डेब्ट मतलब क्या होता है? डेब्ट मतलब सीधा सा, यानी उसके ऊपर क्या हो गया? उधार हो गया 2 बिलियन का। कितना हो गया? 2 बिलियन लीवर। लीवर क्या है बेटा? एक करेंसी है। लीवर क्या है? एक करेंसी है। यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ फ्रांस। लीवर क्या है? यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ फ्रांस। अगर आपसे पूछा जाता है लीवर क्या है, एक करेंसी है जिसको एंडेड कर दिया 1794 में जैकोबिन गवर्नमेंट ने, यानी मैक्सिमिलियन रोबेसपियर की जो गवर्नमेंट थी जिसका नाम था जैकोबिन गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? एंड कर दिया लीवर को। लीवर क्या थी? एक करेंसी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंडर्स हु गेव द क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। अब आपको मालूम है जब क्या हुआ, जब वॉर हुआ, एक्स्ट्रावेजेंट जो पैसा खर्च करा एक्स्ट्रा वॉर में, अपना पैलेस में इन्वेस्ट कर दिया, अपनी रानी के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया, तो जो लैंडर्स थे, जब उधार हुआ तो जो लैंडर्स थे, जो पैसे थे जो मांगने वाले, वो 10% इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी वो क्या कर रहे थे? जो लेंडर हु गेव द क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्जेस 10% ऑन लोन, तो उनके ऊपर क्या लगा दिया? 10% चार्जेस लगा दिया लोन का। तो वो किसके ऊपर लगाएंगे? वो लोगों के ऊपर लगाएंगे। तो आगे अब हम देखते हैं। तो फ्रेंच सोसाइटी इन 18 सेंचुरी में, अब हम बात कर रहे हैं फ्रेंच सोसाइटी इन 18 सेंचुरी। तो फ्रेंच सोसाइटी इन 18 सेंचुरी में हम देखते हैं कि जो सोसाइटी थी फ्रांस की, वो कितने कितने स्टेट में डिवाइड थी? 3 क्लास में डिवाइड थी। यानी अगर बोला जाए स्टेट, यानी फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। हाउ मेनी क्लासेस फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड? 3 क्लासेस। तो याद रखना मेन कितनी क्लासेस में सोसाइटी डिवाइड थी? 3 क्लासेस में सोसाइटी डिवाइड थी। तो पहली स्टेट का नाम था क्लर्जी, सेकेंड स्टेट थी नोबिलिटी, एंड थर्ड स्टेट थी जिसमें बिजनेसमैन आ गए, स्मॉल फार्मर आ गए, लैंडलेस लेबर सर्वेंट आ गए। यानी अगर बात करें जो फ्रेंच सोसाइटी थी कितने पार्ट में डिवाइड थी? 3 पार्ट में डिवाइड थी। तो पहला क्या? क्लर्जी, जो क्या करता था भाई, जैसे आपको मालूम है पुजारी टाइप के जो लोग होते हैं, स्प्रेड करते हैं क्रिश्चियनिटी को, यानी अपनी क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करते हैं। और दूसरे में क्या होता है? नोबिलिटी, यानी किंग्स और एक्सटेंडेड फैमिली, यानी उनके रिश्तेदार, चचा फुफा मौसा, ऐसे लोग क्या में आते हैं? सेकेंड स्टेट में आते हैं। और थर्ड स्टेट में क्या थे? थर्ड स्टेट में अगर बात करें, थर्ड स्टेट में बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल, और उसके बाद स्मॉल आर्टिशियन, और उसके बाद अगर हम देखें तो क्या थे? लैंडलेस लेबर और सर्वेंट। तो अब आपको इतना तो पता चल गया था, पर इन दो स्टेट में, यानी अगर बात करें जो तीन थर्ड स्टेट था उसको टैक्स पे करना पड़ता था, बाकी जो दो स्टेट थे अगर बात करें फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, इनको, इनके पास बहुत पैसा था, इनके पास पैसा तो बहुत था, और इनको पर है ना पे नहीं करना पड़ता था कोई भी टैक्स। टैक्स किसको पे करना पड़ता था? थर्ड स्टेट को पे करना पड़ता था, एक्सटेंशन फ्रॉम पेइंग एनी टाइप्स ऑफ टैक्स, यानी इनको छूट थी टैक्स से, क्या थे इन लोगों को? फ्रीली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। और जो थर्ड स्टेट था, थर्ड स्टेट को टैक्स पे करना पड़ता था, तो ये डिस्क्रिमिनेशन था इनकी सोसाइटी में। चलिए आगे देखते हैं। इसकी मैंने बच्चों पीडीएफ आप लोग को डाल दी गई है, जो अपन इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट मैं आपको अभी करा रहा हूँ, उसके बाद अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में अपना। और ये जो पीडीएफ है बहुत अच्छे से हैंड रिटन नोट्स में मैंने लिखी है, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके स्कूल के ग्रुप पर यह पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, अब हम आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं, हमने सोसाइटी का देख लिया। अब क्या था, जब राजा के पास क्या हुआ था, जब राजा के पास क्या डेब्ट हो गया, तो उसको क्या करना था? उधार भी देना था। तो उसने किसके ऊपर, उसने टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, 2 टाइप्स ऑफ टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए। तो अब हम देखते हैं कि जो किंग था उसने 2 टाइप्स के टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए,
और वो कैसे इंट्रोड्यूस करता है वो हम आगे देखेंगे, पर यहाँ पे अगर पूछा जाए कौन कौन से टैक्स चलते थे तो दो टैक्स का नाम बताता हूँ मैं आपको। तो पहला क्या था, पहला था टिथ, पहला क्या है टिथ, और दूसरा क्या है टाइल, टेल बोलते हैं ठीक है। टू टाइप्स ऑफ टैक्स थे। जब उसके पास क्या हुआ, जब उसके पास उसने ज़्यादा फ्लो कर दिया मनी का, तो उसे गवर्नमेंट को पे करने थे, अदर्स कंट्री को देने थे, तो पैसे देने थे, तो इस कारण उसने क्या है थर्ड स्टेट पे टैक्स लगा दिए गए। तो टू टाइप्स का टैक्स इंट्रोड्यूस करे थे, टिथ और टाइल। चलिए आगे देखते हैं। जो टिथ था वो कलेक्टेड किसके थ्रू करा जाता था, चर्च के थ्रू कलेक्ट करा जाता था, कलेक्टेड बाय चर्च फ्रॉम दी पीजेंट। तो जो टैक्स था वो किसके थ्रू कलेक्ट करा जाता था, चर्च के थ्रू कलेक्ट करा जाता था। किससे, किसान से कलेक्ट करते थे, और कितना लेते थे 1/10। कितना लेते थे बेटा याद रखना, 1/10 एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुई है उसका 1/10 क्या लेते थे भाई, एक टैक्स लेते थे ठीक है। और अब हम आते हैं टाइल पे, जैसे कि डायरेक्ट टाइल में क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। टाइल में क्या था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे आपको बताया गया भाई आपकी सैलरी इतनी है ठीक है 20,000, उसमें से डायरेक्टली उन्होंने क्या कर दिया, टैक्स काट दिया ठीक है 5,000। तो आपको बताया नहीं गया कि भाई आपको तो सैलरी बता दी, पर 5,000 क्या कट गया आपका, टैक्स कट गया। तो आपके हाथ में कितने आएंगे, 15,000 आएंगे। और इनडायरेक्ट टैक्सेस कुछ अदर्स आ गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर कुछ अदर्स आ गए हो, और लिवाइड ऑन डेली यूसेस आइटम्स लाइक तंबाकू, सॉल्ट ठीक है। और जो टाइल होता था वो डायरेक्टली कट कर दिया जाता था अपने उसमें से सैलरी में से, जो भी इनकम मिल रही है बंदे को, जो भी सैलरी मिल रही है, जो भी काम कर रहे हैं। और इनडायरेक्ट कुछ अदर्स चीज़ें, यानी व्यक्ति कुछ लेने गया है, टबाको लेने गया, सॉल्ट लेने गया, तो उसके ऊपर इनडायरेक्ट एक टैक्स लग जाता था। तो आप लोगों को समझ में आ गया कितने टाइप्स का टैक्स इंट्रोड्यूस करे गए थे, कितने टाइप के टैक्स इंट्रोड्यूस करे गए थे, टू टाइप्स के टैक्स इंट्रोड्यूस करे गए थे। तो पहला क्या था, पहला पहला टेथ है, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है बेटा टाइल है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे, अब देखते हैं कि क्या हुआ। थर्ड स्टेट मेंबर वेरी एंग्री बिकॉज टू इंक्रीज टैक्सेस। अब जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे, वो जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो क्या हो गए भाई, बहुत एंग्री हो गए, क्योंकि इंक्रीज टैक्स कर दिए गए और टिथ और टाइल लगा दिए गए। पहले से उनको टैक्स देना पड़ता था और उनके ऊपर और नए टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए। अब हम क्या आएंगे, पीछे आएंगे ठीक है, क्योंकि कारण क्या है कि 14 जुलाई 1789 को आपने देखा है ऐसा ऐसा हुआ, तो हम थोड़ी बैक स्टोरी भी ले लेंगे क्या क्या हुआ ठीक है। तो स्ट्रगल टू सर्वाइव, अब क्या होता है, टैक्स लग जाता है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होना और फेमाइन पड़ जाना, तो लोगों को सर्वाइव करने में मुश्किल होती है। तो अब हम देखते हैं कि लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं आगे ठीक है। तो स्ट्रगल टू सर्वाइव, अब सर्वाइव जीने के लिए चीज़ें देखते हैं लोग कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ क्या है, फ्रेंच पॉपुलेशन। अब आपको मान लो जो पॉपुलेशन है फ्रांस में, जो पॉपुलेशन है फ्रांस में क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है ठीक है। और अगर बात करें 1789 में कितनी होगी, 28 मिलियन, यानी अगर बात करें 28 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कितना क्या होता है 28 मिलियन। तो यानी 1789 में 28 मिलियन क्या हो गई भाई, पॉपुलेशन होगी कहाँ पे, फ्रांस में ठीक है, रैपिड एक्सपेंशन होने लगा। और उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नॉट इंक्रीजेस, यानी फ्रांस में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो क्या नहीं हुई, इंक्रीज़ नहीं हुई। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, ड्रॉट एंड हेल आर रिड्यूस हार्वेस्टेड, यानी जो ड्रॉट एंड हेल है, यानी जो सूखा पड़ गया वहाँ, ओलेबारी होगी, तो हार्वेस्टेड क्या होगी वहाँ पे, फसल क्या होगी, ख़राब होगी। और फिर क्या हुई, सब्सटेंस क्राइसिस केम अप। फिर क्या हुआ, सब्सटेंस क्राइसिस आ गई। तो सब्सटेंस क्राइसिस होता क्या है वो देखते हैं। आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी सब्सटेंस क्राइसिस की, होता क्या है ठीक है। तो सब्सटेंस क्राइसिस क्या होती है, एक ऐसी सिचुएशन, सब्सटेंस याद रख लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, पेपर में आता है, बहुत पूछा जाता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्सटेंस क्राइसिस, एक्सप्लेन सब्सटेंस क्राइसिस ठीक है। सब्सटेंस क्राइसिस क्या होता है, एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। क्या होता है बेटा याद रखना, सब्सटेंस क्राइसिस क्या होता है भाई, कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी जो रोजी रोटी है या जो जीने की जो चीज़ें हैं, लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड, खतरे में आ जाती है, यानी लाइवलीहुड जो भी आप जीने जीविका देख रहे हैं या जीने की चीज़ें देख रहे हैं, वो सब काय में आ गए, खतरे में आ गए ठीक है ना। तो याद रखना सब्सटेंस क्राइसिस क्या होती है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इन डेंजर्ड, यानी ऐसी सिचुएशन आती है जो हमारी रोजी रोटी होती है वो क्या हो जाती है,
डेंजर इंडेंजर्ड हो जाती, खतरे में आ जाती हैं। तो हम इससे एक अंदाज़ा लगाते हैं, एनसीईआरटी में भी आप लोगों को दिया होगा, ये एक ब्लॉक दिया होगा जो अधूरा होगा वो आपको कंप्लीट करना होगा। तो ध्यान से देखिएगा कि क्या है भाई, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये देखिएगा सब्सटेंस क्राइसिस का ब्लॉक, कोर्स ऑफ सब्सटेंस क्राइसिस कौन कौन से पड़ाव हैं वो हम देखते हैं। तो अब देखिए, बैड हार्वेस्ट हो जाना, अब आपको मान लो बैड हार्वेस्ट हो जाना, तो जब आपको मान लो खेती बाड़ी नहीं हुई तो क्या होती है, स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन हो जाती है। स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन मतलब क्या होता है भाई, कमी हो जाना ग्रेन की। फिर क्या होता है, फिर राइजिंग फूड प्राइसेस, और आपको मान लो जब ग्रेन की कमी हो जाएगी, अनाज की कमी हो जाएगी, प्राइसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो जो भूखा नंगा व्यक्ति यानी गरीब व्यक्ति, सॉरी जो गरीब व्यक्ति है वो उसको क्या है, लंबे समय तक नहीं खरीद पाएगा। जब नहीं खरीद पाएगा दो चीज़ें हो गई, या तो आप नहीं खरीद पा रहे तो बॉडी वीकन्स हो जाएगी, या फिर खाने के लिए क्या होगी भाई, लड़ाई झगड़ा होगा। जब आपको मालूम है जब लड़ाई झगड़ा होता है, राउट होता है, दंगे में लोग मर जाते हैं, तो नंबर ऑफ डेथें तो इंक्रीज़ हो जाएगी, और जिसकी बॉडी वीकर हो जाएगी उसको क्या हो जाएगी, एपिडेमिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, एपिडेमिक हो जाएगी, यानी पुअर क्या है, खरीद नहीं पाएगा। जब पुअर खरीद नहीं पाएगा तो उसकी बॉडी वीकर हो जाएगी, या तो दूसरी सिचुएशन क्या होगी भाई, दंगे हो जाएंगे। दंगे हो जाएगा तो डायरेक्ट उसकी क्या हो जाएगी, नुक्ति बढ़ जाएगी, आई मीन क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। और जिसने जिसकी वीकर बॉडी होगी वो ऑलरेडी बीमारी से मर जाएगा, तो दोनों केसेस में। तो ये बेटा ये ब्लॉक आपको अच्छे से समझना है कि क्या है भाई, बेड हार्वेस्ट क्या, और ब्रेड हार्वेस्ट अगर खेती बाड़ी ख़राब हुई तो क्या होगा, स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन हो जाएगी, ठीक है। फिर स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन हो जाएगी तो प्राइसेस राइसिंग हो जाएगी, फूड के क्या है, दाम बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, पुअरेस्ट नो लॉन्गर बाया ब्रेड, पुअर क्या नहीं खरीद पाएगा, ब्रेड नहीं खरीद पाएगा यानी रोटी नहीं खरीद पाएगा। तो दो सिचुएशन आ जाएगी, फूड रॉयट होंगे और क्या होगा भाई, यानी दंगे होंगे या वीकर बॉडी हो जाएगी। जब वीकर बॉडी होगी तो व्यक्ति तो खुद उसको बीमारी हो जाएगी, एपिडेमिक हो जाएगी, महामारी लग जाएगी, और रॉयट हो तो ऑटोमेटिकली लड़ाई झगड़े में हो जाएगा। तो ये सिचुएशन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सब्सटेंस क्राइसिस क्या होता है, और फिर आपको से ये भी पूछा जाता है रीज़न बताइए, डायग्राम बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए अच्छे से। तो ये एनसीईआरटी में आप कवर कर लीजिएगा, आप डिप बना लीजिएगा एनसीईआरटी की बुक में, आपको ब्लॉक में खाली खाली दिया होगा तो इससे देखकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, अ ग्रोइंग मिडिल क्लासेस एनवेजेस टू एंड ऑफ प्रिविलेजेस। अब जो ग्रोइंग मिडिल क्लासेस है, अब जो बढ़ रहे थे मिडिल क्लासेस के लोग हैं, उन्होंने इमेजिन करना, एनवेजेस मतलब सोचना, कल्पना करना, उन्होंने कहा कि भाई ये जो प्रिविलेजेस हैं इसको जो बचपन से दिए जाते हैं बाय बर्थ, जो हाई फर्स्ट स्टेट है, सेकेंड स्टेट है, इनको क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए। तो मिडिल क्लास उठकर आया और उसने ये कल्पना करना स्टार्ट कर दिया, सोचना स्टार्ट कर दिया कि भाई आपको चेंजेस करना चाहिए। जो मिडिल क्लासेस के थे, तो मिडिल क्लासेस की अगर बात करें, 18th सेंचुरी में न्यू सोशल ग्रुप इमर्ज हुआ, 18th क्लासेस में न्यू सोशल ग्रुप इमर्ज हुआ जिसका नाम क्या था, मिडिल क्लासेस, ठीक है। तो अगर बोला जाए कि 18th सेंचुरी में कौन आगे आया जिसने एनवेजाइज करा यानी इमेजिन करा, कल्पना करी, सोचा, ठीक है, तो कौन आया भाई 18th सेंचुरी, न्यू सोशल ग्रुप जिसका नाम था क्या, मिडिल क्लासेस। अब आपको मैंने बता ही दिया था जो 18th सेंचुरी में जो थी रिजीम थी, या फिर दो वहाँ के स्टेट थे, तीन पार्ट में डिवाइड थे, फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी यानी राजा और राजा की फैमिली रिलेटेड, और थर्ड स्टेट में बहुत सारे जो लोग आ जाते हैं मिडिल क्लास लुक के लोग भी हो गए, जैसे लैंडलेस लेबर, फार्मर, लैंडलेस सर्वेंट, ये सब हमने देखा था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दे हैड बिकम अ रिच थ्रू एक्सपेंशन, और ये कैसे रिच हुए थे, जो मिडिल क्लास के रिच हुए थे, एक्सपेंशन ऑफ ओवरसीज ट्रेड। तो इन्होंने क्या करा था भाई, ओवरसीज ट्रेड इन्होंने क्या करा भाई, यानी जो भी इन्होंने अपना ट्रेड करा, समुद्री पार कोई सामान वामान ले जाया, तो उसके कारण ये लोग क्या हुए, ओवरसीज ट्रेड के कारण ये रिच हुए। और इनमें कौन कौन थे अगर बात करें, तो मर्चेंट हो गए, मैन्युफैक्चरर यानी सामान बनाने वाले लोग हो गए, व्यापारी हो गए, मर्चेंट मतलब व्यापारी हो गए, लॉयर हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल हो गए यानी जो मैनेजमेंट वाला सिस्टम देख रहे हैं वो हो गए। चलिए आगे हम देखते हैं, अब एजुकेटेड बिलीव डेट, अब एजुकेटेड का मानना था कि नो सोश एजुकेटेड जो थे उनका मानना था कि नो पी नो बिलीव डैट नो ग्रुप ऑफ सोसाइटी शुड बी प्रिविलेजेस बाय बर्थ, यानी उनका मानना था कि भाई बर्थ के बेसिस पे आप उसको प्रायोरिटी नहीं दे सकते। बिलीव डैट नो ग्रुप ऑफ सोसाइटी शुड बी प्रिविलेजेस बाय बर्थ, यानी आप बर्थ के बेसिस पे उसको ऐसा नहीं कि भाई प्रिविलेजेस देने लगे। तो उनका ये मानना था कि भाई जो राज्य की फैमिली में पैदा हुआ है उसको ज़्यादा प्रिविलेजेस देने लगे, जो बेचारा थर्ड स्टेट में हुआ है उसको प्रिविलेजेस कम दे रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स पे करने के लिए दे दिए गए, तो ये तो गलत चीज़ थी। चलिए आगे हम देखते हैं, अब ऐसे तीन फिलोसफर थे। अब आपको मालूम है जहाँ जहाँ कोई ना कोई घटना होती है कोई ना कोई फिलोसफर या थिंकर आते हैं, तो याद रखिएगा
कि थ्री फिलोसोफर थे, और भी फिलोसोफर हैं इस चैप्टर में, पर हम इन तीनों की ज़्यादा बात करेंगे। तो जॉन लॉक, याद रखना, जॉन लॉक क्या थे भाई? जॉन लॉक, जीन जैक रूसो और मॉन्टेस्क्यू। जॉन लॉक ने कौन सी बुक लिखी, याद रखना, जॉन लॉक ने बुक लिखी है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। जॉन लॉक ने क्या रखी है भाई? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, क्रिटिसाइज द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द रूलर। तो इन्होंने क्या करा भाई, इन्होंने क्या है बुक लिखी है जिसका नाम है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, यानी दो गवर्नमेंट के बीच में ट्रीटीज, और क्रिटिसाइज द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द रूलर। और उन्होंने किसको क्रिटिसाइज करा, जो राइट होते हैं रूलर के उसको करा गया, उसने ये करा गया, क्रिटिसाइज करें रूलर को। चलिए आगे देखते हैं। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी है जीन जैक रूसो, याद रखना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी है? जीन जैक रूसो, यानी मेंशन द आइडिया ऑफ 1% 1 वोट। तो उसने ये बोला, ये अगर बोला जाए जीन जैक रूसो ने कौन सा आइडिया दिया है, यानी कोई भी गरीब व्यक्ति या अमीर व्यक्ति हो, सबके वोटों की वैल्यू होना चाहिए, ठीक है? तो 1 वोट 1% 1 वोट, ठीक है? अब हम देखते हैं मॉन्टेस्क्यू, जो मॉन्टेस्क्यू है उसने क्या लिखा, द स्पिरिट ऑफ लॉ। तो ये तीनों बुकों के नाम याद रख लेना, स्पिरिट ऑफ लॉ किसने लिखी है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा, द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखी है। तो मॉन्टेस्क्यू देखते हैं, द स्पिरिट ऑफ लॉ, अगर बोला जाए मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी बुक लिखी है, स्पिरिट ऑफ लॉ। अब हम देखते हैं मॉन्टेस्क्यू ने प्रपोज द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द गवर्नमेंट, यानी मॉन्टेस्क्यू ने बोला है जो गवर्नमेंट के पावर है उनमें क्या होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए, यानी लेवल क्या होना चाहिए, सबका सेम लेवल होना चाहिए, ऑर्गन क्या होने चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, जैसे कि आज हमारे इंडिया में चल रहा है वैसा। तो मॉन्टेस्क्यू ने किसकी बात करी है, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी एक बुक लिखी है स्पिरिट ऑफ लॉ, उसमें बताया गया है, उसने ये बात करी गई है कि भाई जो पावर होता है गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए, डिवीज़न होना चाहिए गवर्नमेंट के पावर में, कि एक क्या होना चाहिए, एक लेजिस्लेचर होना चाहिए जो कानून बनाने वाला है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो गवर्नमेंट पावर में है, ठीक है, जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। जैसे कि आज के टाइम में अगर हम देख लें कि कानून हमारे इंडिया में कहाँ बनता है, पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में, और एग्जीक्यूटिव क्या करता है भाई, पॉलिसी कौन इम्प्लीमेंट करता है, लोगों कौन इम्प्लीमेंट करता है, अगर कानून बन भी गया, जो गवर्नमेंट पावर में, जैसे पीएम मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई है, ठीक है। अब जुडिशरी क्या होता है, जो जस्टिस करता है, द पर्सन हु गिव अ जस्टिस, तो ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। बुकों का बहुत ही नाम इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा जो बुक्स इंपॉर्टेंट है, कि तीन फिलोसफर थे, जॉन लॉक ने कौन सी बुक लिखी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जीन जैक रूसो ने क्या लिखे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और मॉन्टेस्क्यू ने क्या लिखे, द स्पिरिट ऑफ लॉ। बेटा ये आपको पीडीएफ बहुत अच्छे से बना कर दी गई है, तो अच्छे से समझ लीजिएगा, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से नोट्स आप भी बनाइएगा, ये पार्ट वन है, इसको हम दो पार्ट में और लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं व्हाट व्हाट इंस्पायर द फिलोसोफर। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, हु व्हाट इज व्हाट इंस्पायर द फिलोसोफर, यानी फिलोसोफर किन चीज़ों से इंस्पायर हुए, क्या था? तो अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बन चुका था, तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटीज, आपको मालूम है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे बना था, अमेरिका में, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट इंस्पायर्ड द फिलोसोफर। जो अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें डेमोक्रेसी की बात था, तो उससे क्या है, दुनिया भर के जो फिलोसोफर थे वो इंस्पायर्ड थे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट इंस्पायर्ड द फिलोसोफर, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट इंस्पायर्ड द फिलोसोफर। चलिए आगे हम देखते हैं, आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, यानी रेवोल्यूशन का कैसे रेवोल्यूशन हुआ, यानी जो क्रांति हुई किन किन कैसे कैसे हुआ। तो लुई 16 ने क्या करा, आपको मालूम, पहले हमने देखा था लुई 16 ने क्या करा, इंक्रीज करा टैक्स। तो आपको मालूम है कि टैक्स एकदम से इंक्रीज नहीं होता, तो सॉरी, तो लुई 16 एकदम से टैक्स इंक्रीज नहीं कर सकता, उसको क्या करना पड़ता है, ओल्ड रिजिम मोनार्क फॉलो करना पड़ता है, यानी उसको तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाना पड़ेगा। तो लुई 16 क्या करेगा, लुई 16 इंक्रीज टैक्सेस, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तीनों स्टेट के जनरल को बुलाना पड़ेगा, यानी रिप्रेजेंटेटिव को बुलाना पड़ेगा, तो उसको ये रूल्स फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए आगे देखते, तो उसने 5 मई 1789, यानी 5 मई 1789 को वर्साइल, वर्साइल एक जगह है, स्टेट जनरल असेंबली, तो उसने क्या रखी, एक जनरल असेंबली रखी टू पास ए प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस, यानी जो टैक्स के लिए जो पास करने थे उसे प्रपोजल पास करने थे। आपने देखा था 14 जुलाई 1789 में ये सारी चीज़ हुए हैं, तो उससे पहले जो चीज़ें हुई थी, तो उसका हम थोड़ा पीछे का अर्लियर बात कर रहे हैं, कि ऐसे से क्या करा था उसने, रिवोल्यूशन के कारण ऐसे से हुआ था कि उसने टैक्स इंक्रीज़ करा, मीटिंग बुलाई गई, मीटिंग बुलाने से टैक्स इंक्रीज़ होगा, कि वो एक बुलाना पड़ता था, उसको फॉर्मेलिटी एक रूल्स फॉलो करने पड़ते थे, ठीक है। तो उसने वर्साइल में क्या करा, मीटिंग बुलाई गई 5 मई 1789 को, जनरल स्टेट। और आपको मालूम है
हर एक स्टेट के है ना, प्रत्येक स्टेट से, ईच स्टेट से क्या 300 300 रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर बात करें स्टेट, फर्स्ट स्टेट से कितना है 300 है, सेकंड स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव है 300 रिप्रेजेंटेटिव है, और थर्ड स्टेट, आपको मालूम गरीबों की जनसंख्या ज़्यादा है तो थर्ड स्टेट से क्या है भाई, क्या है 600 है। तो आप ये भी जानते हो कि भाई ये दो तो हाँ करनी ही थी, क्योंकि इनको कोई टैक्स देना ही नहीं पड़ता था फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को, पर जो थर्ड स्टेट था उसको क्या है टैक्स देना पड़ता था। और आपको मालूम 1 वोल्ट वाला सिस्टम चलता था, वैसा तो सिस्टम नहीं चलता था। तो दोनों ने क्या हाँ करनी थी, यानी दोनों तो क्या यस यस कर दिया, कबूले कबूले कर दिया। तीसरा अगर ना करेगा फिर भी क्या बनेगा, प्रपोजल बन जाएगा। तो इस कारण क्या था, तीसरे वाले ने तो ना करनी थी। अगर टोटल रिप्रेजेंटेटिव की बात करें, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, कितने रिप्रेजेंटेटिव हो गए, 1200 रिप्रेजेंटेटिव हो गए। ठीक है, 1200 रिप्रेजेंटेटिव हो गए। ठीक है, तो क्या था, थर्ड स्टेट ने मना कर दिया, और जो रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट थे उनको तो बेहतरीन आराम से बैठा दिया, और सामने वाली जो रो है उनमें क्या है बेचारे, इनको खड़ा कर दिया थर्ड स्टेट के लोगों को। ठीक है, आगे देखते हैं, वाइल रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट दी बैक, और पीछे साइड में क्या, यानी सामने वाली जो अगर बोला जाए पीछे साइड जो भी, खड़ा कर दिया उनको, और दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। ठीक है, थर्ड स्टेट मोस्ट पावरफुल, अब आपको मालूम है इनकी संख्या ज़्यादा थी थर्ड स्टेट की, मोस्ट पावरफुल थे। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेड बाई इट्स मोर प्रॉस्पेरियस एंड एजुकेटेड मेंबर, इसमें क्या एजुकेटेड प्रॉस्पेरियस, इसमें भी प्रॉस्पेरियस और एजुकेटेड मेंबर थे। पीजेंट आर्टिशियन एंड वुमेन्स वर डेनाइड एंट्री, यानी जो पीजेंट आर्टिशियन है उनकी एंट्री, पीजेंट हो गए, आर्टिशियन हो गए, वुमेन हो गए, यानी अगर किसान हो गए, जो कारीगर हो गए, जो महिला हैं, उनकी एंट्री पूरी तरीके से बंद कर दी थी थर्ड स्टेट की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोनार्क। ठीक है, अब मोनार्क यानी मोनार्क मतलब क्या होता है, राजा। ईच स्टेट हैड 1 वोट, अब आपको मैंने बता दिया था 1 वोट होता है। लुई 16 वांटेड टू अप्लाई सेम प्रैक्टिस दिस टाइम, अब लुई 16 ने क्या करा, ये जो प्रथा थी कि दोनों तो हाँ करनी थी, उसने ये बोला कि 1 वोट इनका पड़ेगा, 1 वोट इनका पड़ेगा, 1 वोट इनका नहीं पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, दो तो पड़ ही गए। तो इस कारण लुई 16 वांटेड टू अप्लाई दी सेम प्रैक्टिस दिस टाइम, थर्ड स्टेट रिप्रेजेंट डिड नॉट एग्री। अब इस पे क्या है, थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो प्रतिनिधि थे, जो थर्ड स्टेट के, यानी कितने थे 600, पर उनका एक ही वोट माना जाता था 600 का। तो इससे क्या हुआ भाई, एग्री नहीं हुए थर्ड स्टेट, और लुई 16 वो वाली प्रैक्टिस चला रहा था, जो प्रथा है वो चला रहा था। अब क्या हुआ, वांटेड वोटिंग असेंबली एस होल, उन्होंने बोला कि जो लोग थे उन्होंने बोला पूरी असेंबली में होना चाहिए इलेक्शन, पूरी असेंबली के जिसके ज़्यादा होंगे उसकी वैल्यू होगी, ये थर्ड स्टेट के लोगों ने बोला। असेंबली एस होल ईच ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव टू हैव ओनली 1 वोट, यानी प्रत्येक का क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव 1 वोट पड़ना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए सभी का वोटिंग होना चाहिए। तो लुई 16 ने ये रिजेक्ट कर दिया, जो नया प्रपोजल जो था, जो नया प्रपोजल दिया था जो थर्ड स्टेट के लोगों ने, तो वो लुई 16 ने क्या करा, रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे, तो फिर क्या हुआ, जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो बाहर आ गए, कहाँ पर आ गए, 20 जून 1789 को बाहर आए इंडोर टेनिस में, और कहाँ पे, कौन सी जगह थी, वर्सेल्स। ठीक है, क्या था, वर्सेल्स जगह थी, वहाँ पर आ गए। फिर दे डिक्लेयर देम ऐसा नेशनल असेंबली, और अपने आप को क्या कर डिक्लेयर कर दिया, अब हम क्या बने बनाएंगे, एक नेशनल असेंबली बनाएंगे। ठीक है, नेशनल असेंबली जब बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे। तो इन सब ने क्या है, मिलकर टुक एन ओथ टू डिस्पर्स टिल द ड्राफ्टिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इन्होंने कसम खाई कि जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाए बनेगा जिसमें हम राज्य की पावर को लिमिट नहीं कर देंगे, जब तक हम अलग नहीं होंगे, डिस्पर्स नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, तो थर्ड स्टेट के लोगों ने ये कसम खाई कि अब हम क्या बनाएंगे, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन आपको मालूम है एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें रूल्स रेगुलेशन लॉ होते हैं, जिसके हमारे भारत का भी है, तो वैसे यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात करी गई। क्यों बात करी गई, क्योंकि राजा अपनी मनमानी करता था, मोनार्क मतलब किंग होता था, किंग क्या अपनी मनमानी करता था उसकी पावर को लिमिट करने के लिए। ठीक है, चलिए अब आप देखते हैं, तो यहाँ पर एक लीडर ऑफ नेशनल असेंबली, अब क्या बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लीडर थे नेशनल असेंबली के कौन लीडर बने, तो याद देखते हैं यहाँ पे, मीराबियो एंड अबे सियास। तो कौन लीडर बने असेंबली के, मीराबियो एंड अबे सियास, तो कौन बने बेटा, मीराबियो एंड अबे सियास बने। तो याद रखना, जो असेंबली के जो लीडर बने वो कौन बने भाई, मीराबियो एंड अबे सियास। तो इन दोनों व्यक्ति का नाम मत भूलना, मीराबियो एंड अबे सियास। मीराबियो जो था नोबल फैमिली से था, यानी अमीर फैमिली से था, और अबे सियास क्या था, प्रेस्ट यानी चर्च से बिलोंग करता था, यानी क्लर्जी, यानी आप अगर बात करें अबे सियास कैसे बिलोंग करता था, प्रेस्ट यानी चर्च से बिलोंग करता था, प्लस यानी क्लर्जी वाला, और मीराबियो कैसे नोबल फैमिली से बिलोंग करता था। बिलीव इन द नीड ऑफ प्रिविलेजेस फ्री सोसाइटी, और ये मानते थे, ये दोनों मानते थे
कि भाई जो सोसाइटी एकदम फ्री होना चाहिए, जो प्रिविलेजेस विविलेजेस नहीं होना चाहिए, यानी फ्री होनी चाहिए सोसाइटी एकदम, बिलीव इन दी नीड ऑफ प्रिविलेजेस फ्री सोसाइटी, यानी एकदम फ्री सोसाइटी होनी चाहिए, ये मानते थे ये। तो अगर बोला जाए लीडर ऑफ नेशनल असेंबली के लीडर कौन थे, मीराबियो एंड अबेसियस थे। तो मीराबियो कहाँ से बिलोंग करता था, नोबल फैमिली से, और अबेसियस कहाँ से बिलोंग करता था, प्रीस्ट यानी चर्च से, ठीक है। बिलीव इन दी नीड ऑफ प्रिविलेजेस फ्री सोसाइटी, तो इनका मानना था जो सोसाइटी होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दे डिलीवर्ड, अब इन्होंने भी हिटलर की तरह पावरफुल स्पीच दी, हिटलर कौन था क्या था वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या करा, पावरफुल स्पीच दी, ठीक है। नीड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ने बोले जरूरी कॉन्स्टिट्यूशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, इसी से क्या है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों को, ठीक है। और उसी समय की अगर बात करें, उसी समय की बात करें तो क्या हो गई थी भाई, डेट ईयर्स हार्वेस्ट वॉज वेडली अफेक्ट बिकॉज ऑफ सीवर विंटर। तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, तो उसी समय क्या हुआ भाई, अफेक्ट बिकॉज ऑफ सीवर विंटर, और उसी समय क्या होगा भाई, विंटर क्या खतरनाक विंटर पड़ गई, इंक्रीज द प्राइस ऑफ ब्रेड, और क्या हो गई प्राइस, जो मैंने आपको इन स्टार्टिंग बताया था वही वैसा उसके पीछे की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि इंक्रीज द प्राइस ऑफ ब्रेड, तो प्राइस ब्रेड की क्या हो गई, प्राइस हो गई, बढ़ गई। और एट द सेम टाइम जो ट्रुप थे, अब बात करना है, एट द सेम टाइम जो ट्रुप थे मूव दी पेरिस, कहाँ की तरफ मूव हुए, पेरिस की तरफ हुए, और फ्रांस की कैपिटल क्या भाई, पेरिस। और उसने क्या करा, जो ट्रुप ट्रुप ने क्या करा, टर्मोइल को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। टर्मोइल मतलब क्या होता है, भीड़, जो लोगों की भीड़ थी उसको क्या करा था, सप्रेस कर दिया। और जब आपको मालूम, जब इसके बदले में लोग भी कुछ बोलेंगे, आपको मालूम एक्शन का रिएक्शन भी होता है, तो रिटेलिएशन इसके बदले में क्या हुआ, क्राउड डिस्ट्रॉयड द बेस्टिल, तो इसके बदले में क्राउड ने क्या करा है, डिस्ट्रॉय कर दिया बेस्टिल का। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि भाई बेस्टिल क्या था, एक डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग थी, ठीक है। तो क्राउड ने क्या करा, डिस्ट्रॉय कर दिया बेस्टिल को। फिर र्यूमर, ऐसी र्यूमर यानी ऐसी अफवाह भी फैली गई कि जो किंग है उसने क्या है, जो है ब्रिगेंस, ब्रिगेंस मतलब गुंडे होते हैं, यानी उन्होंने ऑर्डर दिया है कि भाई, जो ऐसी अफवाह फैली हुई थी कि उसने ब्रिगेंस या ट्रुप को ऑर्डर दिया है कि भाई जो किसानों की जो गांव है वहाँ पर पूरी जो क्रॉप है वो को उसको क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। तो ये अफवाह लोगों तक पहुँची हुई कि भाई जो गुंडे वगैरह भेजे जा रहे हैं किसानों की क्रॉप को ख़राब करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, इसी फियर में, बिकॉज ऑफ फियर पीजेंट अटैक दी शेटो एंड लूटेड दी होडेड ग्रेन। तो उन्होंने क्या, किसके ऊपर अटैक कर दिया, शेटो के ऊपर अटैक कर दिया जहाँ पर राजा रहता है, ठीक है, और होडेड ग्रेन कर दिए गए। तो राजा के जो जगह होती है जहाँ पे ग्रेन वगैरह रखते हैं, तो वहाँ पर क्या था, उन्होंने ये ग्रेन कर अटैक कर दिया, यानी र्यूमर फैली हुई थी उससे पहले लोग घबराए, पीजेंट घबराए होते हैं, तो उन्होंने ही अटैक कर दिया, ठीक है। मैनी पीपल वर किल्ड इन दिस एजिटेशन, जो ये हिंसा हुई थी यानी जो ये वायलेशन हुआ था, ठीक है, जो भी लोगों के बीच में लड़ाई हुई थी, तो इसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। अब इसी के डर के, मैनी नोबल फैमिली, इससे डर से नोबल फैमिली यानी, नोबल फैमिली यानी अमीर जो राजा के रिश्तेदार होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली होती है, और क्लर्जी भागने लगे कहाँ, नेबरिंग कंट्रीज़ में, अगर आजू बाजू की कंट्री में क्या करने लगे, भागने लगे। और क्यों भागने लगे, अपनी लाइफ को बचाने के लिए, ठीक है, आपको समझ में आने लगा, नेबरिंग कंट्री भागने लगे अपनी लाइफ को बचाने के लिए, मैनी क्लर्जी और नोबल्समैन, नोबल्समैन मतलब एक्सटेंडेड फैमिली यानी एक्सटेंडेड फैमिली इंक्लूडिंग किंग और क्लर्जी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, सेकंड में नोबल, में नोबिलिटी यानी ये आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एट द एंड ऑफ एंड एंड द एट द एंड एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड अ एजर्ट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स। तो ये सारी चीज़ें जब हुई, तो यानी इन्होंने जो पीजेंट थे, मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने गवर्नमेंट की ये सारी चीज़ जो चीज़ें हैं प्रॉपर्टी को, यानी जो किंग है क्लर्जी उनकी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, अपने अंडर में लिया, और जो गवर्नमेंट, जो दूसरी गवर्नमेंट है, जो बाहर की गवर्नमेंट है, उनको वो चीज़ें दे दी गई, बेच कर या जो भी उनके पास पैसा था, वो ऐसा 2 बिलियन लीवर दे दिए गए, ठीक है। यहाँ तक कि आपको समझ में आया, ये पार्ट वन है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, ठीक है बच्चों। आपको इसकी PDF बहुत अच्छे से बनाकर दी है मैंने आपको ग्रुप पे, तो ये आज आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ आपको जो NCERT सॉल्यूशन है वो भी आपको आज मिल जाएगा, जब तक आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, हिस्ट्री कॉपी में चैप्टर 1 का अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।